अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर आप लोगों के साथ मैं दोबारा मुलाकात कर रही हूँ। मेरे पास किसी ने कहा कि YT स्टूडियो के बारे में बताएं, तो आज मैं आप लोगों को YT स्टूडियो के बारे में बताऊंगी। बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताऊंगी कि YT स्टूडियो होता क्या है। YT स्टूडियो जो है वो YouTube का ही एक सिस्टम है, जिसमें YouTube वाले ना उन्होंने एक अलग एप्लीकेशन बनाई हुई है YT स्टूडियो के नाम से। यूट्यूब स्टूडियो, ये यूट्यूब है, ये YT स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो। तो यूट्यूब स्टूडियो में क्या होता है कि आप यूट्यूब स्टूडियो जो है ना, वो आप बहुत आसानी से प्ले स्टोर के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाके आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम YT मतलब यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करके बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि YouTube स्टूडियो के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत से लोग ना वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं इस बारे में कि ये है, ये वो है, वो पुराना है, वो डिमका है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। तो आज की वीडियो YouTube स्टूडियो के नाम पर। सिग्नल इशू बहुत कर रहे हैं वाईफाई के बारिशों की वजह से। आजकल पाकिस्तान भर में खूब बारिशें हो रही हैं, नदियाँ बह रही हैं, बस गंद हो रहा है, हाल बुरा हो रहा है पाकिस्तान का। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरा इंटरनेट बहुत स्लो काम कर रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जैसे ही यूट्यूब स्टूडियो ऑन करते हैं तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाता है, जो हमारा यूट्यूब का होता है ना चैनल का, वो आ जाता है कि आपका ये नाम है चैनल का, इतने सब्सक्राइबर्स आ गए। चैनल एनालिसिस होता है कि आपके 3.8K मतलब व्यूज़ हैं, 3800 के व्यूज़ हैं। आपका वॉच टाइमर बताता है यूट्यूब स्टूडियो में अर्निंग के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम अर्न करने के लिए हमें कम से कम भी 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, हमारा जो है अर्निंग का सिस्टम सर्कल स्टार्ट नहीं होगा। ये जो है इन लोगों ने कहा है कि आपका 1000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको टाइम पीरियड दिया जाता है 365 डेज़ का, वॉच आवर आपका 4000 होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं मेरा 30 है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। लेकिन जब लोग आपकी वीडियोस को पसंद करते हैं, रोज़ाना देखते हैं, तो आपका वॉच टाइमर बहुत जल्द बढ़ने लग जाता है। ये हमारा यूट्यूब वीडियोस का है, ठीक है। अब ये इन्होंने शॉर्ट्स का अलग दिया हुआ है, ये दिया हुआ है व्यूज़ का, कि आपके कम से कम भी 90 दिन में इतने शॉर्ट्स व्यूज़ होने चाहिए, 10 मिलियन। तो जब तक हमारे ये तीनों चीज़ें पूरी नहीं होंगी, तो आपका जो एक अर्निंग का सर्कल है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जो है ना बहुत टाइम चाहिए होता है। किसी किसी को 3 साल लग जाते हैं, किसी को 4 साल लग जाते हैं, किसी का लक अच्छा होता है तो वो 6 महीने के अंदर भी कर लेता है, किसी का लक अच्छा नहीं होता तो वो करता ही नहीं है, वो कहता है भाड़ में जाए, मुझे नहीं करना, थक गए मैं या थक गई मैं। तो ये सब सिस्टम होता है इसका ना, मेहनत है, मेहनत करें। कॉपीराइट टूल मैच का भी है इसमें, कि आपकी वीडियोस वगैरह कौन मतलब किस तरह की हैं, आपने कहाँ से उठा के डाली हैं, तो वो कॉपीराइट का इशू आ जाता है, वो आपकी वीडियो यूट्यूब स्टूडियो वाले ब्लॉक कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि ये YT स्टूडियो होता क्या है। अब हम जाएंगे कंटेंट में। यूट्यूब वाले जो है हर वीकली, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि वो हर हफ्ते आपको बताते हैं कि आपकी वीडियो और शॉर्ट्स वगैरह को कितने लोगों ने पसंद किया है, तो वो आपको नोटिफिकेशन दे देते हैं कि आपकी ये है वीकली तैयार हो गई है, एक रील बना के ये समझे रील बना के दे देते हैं कि ये आपका तैयार हो चुका है, अब आप इस क्लिप को देख सकते हैं। तो जो है हर हफ्ते वो आपको ये बताता है कि आपने कितना ग्रो किया है अपने चैनल को, ठीक है। तो ये सब वीडियोस हैं, यहाँ पर वीडियोस आ गए, ये शॉर्ट्स आ गए, लाइव आ गए, प्लेलिस्ट आ गई, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। इसमें ये सब चीज़ें होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस यही होती हैं कि आपकी वीडियो किस तरह की वीडियो है, कितने साल के बच्चे देख सकते हैं या नहीं, ये सब चीज़ें, या फिर बच्चों के लिए बनी है या नहीं, ये सब
दिया गया है, मेड फॉर किड्स, नॉट सेट टू मेड फॉर किड्स, नॉट मेड फॉर किड्स, मतलब ये तीन ऑप्शन दिए जाते हैं कि कितने साल के बच्चे देख सकते हैं और बच्चे देख सकते हैं या नहीं, ये सब चीज़ें ना इसमें बताई जाती हैं, या आपके व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन मैंने ना इनको इसको सेट नहीं किया क्योंकि ये सब चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, तो आप भी इसमें ना घुसें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। जितना जिस चीज़ में घुसेंगे उतना परेशान होंगे, उतनी मुश्किल आएगी आप लोगों के लिए। अब हम जाते हैं एनालिटिक्स में। बहुत बुरा नेट चल रहा है, आप लोगों का भी चल रहा होगा, अगर चल भी रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये आ जाता है इंस्पिरेशन, सबसे पहला ऑप्शन इंस्पिरेशन का आ जाता है। एक्सप्लोर टॉपिक्स, बर्ड्स व्लॉग और फेवरेट न्यू वीडियोस, इस तरह का ये सब दिया हुआ है, लेकिन ये कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, तो आप इसको छोड़ दें। अब इसके अंदर आपके व्यूज़ बताया गया है, 3.8 व्यूज़, मतलब 28 दिनों के अंदर मैंने 131% व्यूज़ को व्यूज़ लिए हैं, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। वॉच टाइमर आपका बता रहा है कि 6% आपका लेस देन प्रीवियस, मतलब 28 दिन के अंदर मेरा इतना लेस देन हुआ है, 6% हुआ है, मेरा था पहले 13 तो अब मेरा हो गया 18.7, तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी बढ़ ही जाएगा। वॉच टाइमर मेरे प्लस 56 सब्सक्राइबर हुए हैं 28 दिन के अंदर, तो ये भी मेरा प्लस पॉइंट है। अब वो दे टॉप कंटेंट, मेरे 28 दिन के अंदर मेरे जो टॉप कंटेंट लोगों ने पसंद किए हैं वो क्या हैं, वो ये दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये हैं टॉप कंटेंट जो लोगों को पसंद आए, लोगों ने पसंद किया वीडियो। हम सब्सक्राइब वो करते हैं यूट्यूब पर सर्च, तो सर्च करते ही हम लिखते हैं कि वायरल वीडियो कौन सी है, तो मेरी ये उन लोगों को पसंद आई, तो ये सब ये दिया गया है। रियल टाइम दिया गया है 118 का, 48 आवर्स में 118 व्यूज़ का रियल टाइम है, मतलब लोगों ने मेरी वीडियो को कितना देखा, एक वीडियो को ये 7 सेकंड, 8 सेकंड, 15 सेकंड या 15 मिनट कह लें, तो अब ये वीडियो मेरी बड़ी है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो ओपन करते हैं इतनी देर देखते हैं हटा देते हैं, तो ये सब वो टाइम दिया गया है। इतना अच्छा नहीं है अभी, लेकिन ये भी हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। YT स्टूडियो का बहुत लंबा प्रोसेस है, जितना इसके अंदर घुसेंगे उतना परेशान होंगे, तो जस्ट आप वीडियोस डालें, शॉर्ट्स डालें, बस अपनी वीडियोस डालें, शॉर्ट्स वगैरह डालें, ये वही कंटेंट वही आ गया शॉइन फीड 9.9 के, ये आपको सब डिटेल्स देता है कि क्या क्या आपके लाइक्स हैं, कितने लाइक्स हैं, कितनी पोस्ट हैं और हाउ मैनी चूज टू व्यू, मतलब ये कोई इतना ना एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप जो है सिर्फ वीडियोस और शॉर्ट्स डालें, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें और अर्निंग स्टार्ट करें, मोनेटाइज करें खूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह, जहाँ कुछ जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं वहाँ वहाँ शेयर करें, ताकि लोग आपकी वीडियोस वगैरह सब पसंद करें, आपको सब्सक्राइब करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, बाकी ये सब फजूल की चीज़ें हैं। अब ये आपको ऑडियंस का लास्ट ऑप्शन ये है, ऑडियंस का दिया हुआ है कि इतने आपके इतनी यूनिक वीडियो, यूनिक व्यूज़ आए थे 2.4 के, और ये वही सब्सक्राइब कहा गया है। यहाँ पे एज का दे दिया कि किस किस तरह के एज, जिस दिन, मतलब किन कितने बच्चों ने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, तो 1.7% जो है वो 65 की जो एज वाले हैं उन्होंने किया हुआ है। अब ये देखें मेरे जो वीडियोस हैं उनमें बच्चे नहीं हैं, 0.0% है मेरे YouTube के चैनल पर बच्चे नहीं हैं, बाकी जो है 18 से स्टार्ट है, कि मेरी YouTube की वीडियोस जो है ना, मैंने शॉर्ट्स और वीडियोस डाले भी हुई हैं, जबकि मैंने ना कोई इस तरह की भी नहीं डाली हुई कि बच्चे वगैरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन फिर भी हर किसी की अपनी हो, तो ये एज बताता है कि कितने साल से कितने साल के बंदे तक ने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, कितने बंदे
कितने आदमी हैं, कितने जो हैं वो औरतें हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो मर्दों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ 77.6%। ज्योग्राफी मतलब पाकिस्तान वालों ने ज़्यादा किया हुआ है, इंडिया वालों ने कम किया हुआ है, उससे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान वालों ने किया हुआ है। टॉप सबटाइटल लैंग्वेज नो सबटाइटल, इसका मकसद ये है कि मैंने जो है सबटाइटल अपने ना मतलब कोई वो नहीं रखा हुआ, इंग्लिश हिंदी उर्दू अरबिक कोई भी हो। वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, तो नॉट सब्सक्राइब जो है 56% है, सब्सक्राइब जो है 43%। बहुत गंदा पॉइंट है ये मेरा, मतलब ये है कि मेरे ज़्यादातर वीडियोस वो लोग देखते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बाकी ये सब ऐसे ही हैं, आगे कमेंट सेक्शन आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपको बताया गया है कि आपको किस किस ने कितनी कितनी वीडियोस पर कैसे कैसे कमेंट किए हुए हैं। बस ये आया हुआ है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।